करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। अमरावती में सांप के काटने से मां बेटी की हुई मौत। युवती के साथ होटल में जाम झलका रहे थे जिला पार्षद। चाइनीज की दुकान में फटा सिलेंडर, एक की मौत। आरमोरी में शेरनी ने किया गाय के बच्चे का शिकार। अकोला में तुअर के बोरे के नीचे दबकर एक युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। अमरावती वर्धामा में मां बेटी की सांप को काटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बेटी सिर्फ 3 साल की थी, मां 35 वर्ष की थी। यह वारदात बुधवार को घर के अंदर मृतदेह पाया गया, जिसके दौरान पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। युवती के साथ होटल में जाम छलका रहे थे जिला पार्षद। बीते 10 नवम्बर को जिला पार्षद अध्यक्ष रामस्वरूप चौरसिया का एक युवती के साथ शराब लिए फोटो वायरल हुआ है। थाने में एक चाइनीज दुकान में सिलेंडर फटने से एक युवक की मौत हो गई, तो एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरमोरी रामपुर इलाके में फिर से बाघ ने शिकार किया है। किसान धनराज ठाकरे की गाय एक दिन पहले लापता हुई थी। लापता होने के कारण वन विभाग को जानकारी दी गई थी। उसी दौरान कर्मचारी ने इलाके में कैमरे ट्रैक किया था, बाघ ने शिकार कर लिया था। इसी दौरान गांव वालों में काफी डर नजर आ रहा है। अकोला में तुवरदाल मिल में प्रवीण सुपरवाइजर था। काम करते दौरान तुवरदाल का बोरा उसके शरीर पर गिर गया। उसी दौरान वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि प्रवीण अविवाहित था। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।